देखिए दोस्तों, 32 इंच का ये BPL का एंड्रॉयड टीवी है और हमने इसको ओपन कर रखा है काफ़ी टाइम तक, मान लो 2 से 3 मिनट तक ये स्मार्ट टीवी पे स्टिक रहता है जैसे आप देख पा रहे हैं, और 2-3 मिनट के बाद ये स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है, दोबारा से ऑटोमेटिक फिर ये ऑन हो जाता है। इसी तरह इसमें प्रॉब्लम है, हम आपको दिखा भी रहे हैं क्योंकि इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है, कुछ टाइम बाद ये रिस्टार्ट करेगा और इससे आगे ये ऑन नहीं होगा। देखिए पहले फॉल्ट देखिए, यहाँ पर आप जब भी स्टैंड में मोड पर जाएगा आप देख रहे हैं पर एक लाइट, रेड लाइट का रेड लाइट आएगा, ब्लिंकिंग होगा, दोबारा से ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा। देखिए अभी ये रिपीट होने वाला है, ये देखिए लाइट आ गया, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, हमको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक ये स्टैंड में मोड पर है। ऐसे ही दोबारा से ये देखिए स्मार्ट टीवी अभी आने वाला है, स्मार्ट टीवी के आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, देखिए स्टार्ट हो चुका है, ये यहाँ पर स्टक रह जाता है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये दोबारा से स्टार्ट करता रहता है, ऐसे ही ये चलता रहता है। सबसे पहला फॉल्ट है ये सॉफ्टवेयर का, लेकिन सॉफ्टवेयर करने से पहले हम उसको ओपन करेंगे, कहीं कोई सप्लाई में कहीं कोई और दिक्कत तो ना हो, कि फ़िल्टर वगैरह वीक ना हो, क्योंकि सीधा सॉफ्टवेयर डालना ठीक नहीं उसके बारे में अंदर से, क्योंकि इसका मॉडल नंबर नहीं पता बोर्ड कौन सा लगा है। पहले इसको ओपन करेंगे, बोर्ड नंबर देखेंगे, सप्लाई वगैरह देखेंगे, कोई फिल्टर वगैरह वीक तो नहीं, सप्लाई इसका ओके है नहीं है, कुछ थोड़ा सा वर्क करके इसके बाद सॉफ्टवेयर का हम प्रोसेस करने वाले हैं। पहले इसको अभी ओपन करते हैं, देखिए इसमें 2 कोफ का पैन लगा है। देखिए बोर्ड नंबर की बात करें तो ये बोर्ड है, बोर्ड का नंबर यहाँ पर मेंशन है CV358H-B42, जो हमारा इसमें मदरबोर्ड लगा है उसकी फाइल को हमने PC में, काफ़ी फाइल हमारे पास सेम है, तो हमने यहाँ पर कोने में देखिए ऊपर वाली साइड सर्च किया CV358, तो ये फाइल निकल के आई है। इस फाइल को RAR फाइल को हमने कन्वर्ट करके बिन फाइल में कन्वर्ट यहाँ पर कर रखा है, देखिए यही फाइल हमको चाहिए थी, और इस फाइल को हमको USB में ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए कौन का हम स्टार जो फोल्डर हमको इसको ओपन करना है, और इसमें यही फाइल है ये देखिए CTV अपग्रेड, इस पर ये फाइल है 1.33 GB, लगभग 1.5 GB के आसपास फाइल है। इसको सीधा ही पेन ड्राइव के बिना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको सेंड कर दो, सीधा ही हमने अलग से पेन ड्राइव लगा रखा है, इस तरह सेंड करना है, इसको ओपन नहीं करना। और ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है, 331 MB और चाहिए, तो हमको ये फॉर्मेट करना पड़ेगा पेन ड्राइव। ये हमारा जो पेन ड्राइव है 2 GB का है ओनली, तो इसलिए इसमें हमको फॉर्मेट करना पड़ा, कुछ फाइल डिलीट हमने कर दी है, और इसको इस तरह से डायरेक्ट, यदि आपकी मेमोरी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड बड़ा है तो आपको इसमें फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए रिमूवल में हमने कॉपी इस तरह से कर लेना है सीधा सा, और ये फाइल सीधा इस तरह से कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से सीधा निकालने की जाए यदि सेफली रिमूव करेंगे तो ये देखिए राइट क्लिक दबोगे, राइट क्लिक के बाद यहाँ पर इजेक्ट USB फ्लैश ड्राइव आ जाएगा, देखिए ये वाला, तो इससे अच्छा रहता है जिससे फाइल वगैरह कभी करप्ट नहीं होती। तो फाइल कॉपी करके हम अभी लगा के इसमें दिखा देते हैं आपको, फाइल को आपको अच्छे से कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर बिल्कुल पीछे USB के पीछे लिखा होता है USB 1.2.1 में लगाए तो ज़्यादा बेटर है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही USB पोर्ट अच्छे से वर्क करते हैं, बस वो पोर्ट ठीक होना चाहिए। और इसमें कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि सॉफ्टवेयर कई बार पेन ड्राइव लगाने के बाद और जब हम पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं और पावर वहाँ से दे देते हैं, वायर को लगा देते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कि वो फाइल को उठाता नहीं है, तो उसका मोस्टली कारण यही एक ही होता है कि उसमें जो हमारा जो पैनल है माइक्रो पैनल है वो बटन अच्छे से काम नहीं करता, बटन अच्छे से काम ना करने से तो वो फाइल नहीं उठाता, तो इसके लिए मैं ऐसा क्या करता हूँ, अलग से हमने पैनल ले रखा है देखिए जिसके बटन हमारी टेस्टिंग के थ्रू होते हैं, अच्छे से चलते होते हैं, चेक करे होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए आप एक अलग से ये हमारा जो आई और माइक्रो का बटन का जो प्लेट है अलग से रखें, जो अच्छे से टेस्टिंग वाला हो जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और अभी हमको क्या करना है, एक प्रोसेस हमको सभी को पता है कि पावर बटन को दबा के रखना है और उधर से हमको मेन वायर को लगा देना है, और लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आपको इस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जिनको पता अच्छी पता, जिनको नहीं पता उनको काफ़ी इससे नॉलेज मिलने वाला है। देखिए सेम प्रोसेस है जितने भी हमारे जो नॉर्मल एंड्रॉयड बोर्ड आए हैं,
सेम प्रोसेस है और काफ़ी तरह का फॉल्ट इससे रिलेटेड हमको देखने को मिलता है। ये देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, यहाँ पर लाइट भी आपको दिख रही है, रेड और ग्रीन में ब्लिंकिंग कर रही है और इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3 से 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सेम प्रोसेस है ऑल मॉडल्स में, सिर्फ बोर्ड नंबर का फ़र्क होता है और एक सॉफ्टवेयर फाइल का फ़र्क होता है, बाकी जो प्रोसेस इसको इंस्टॉल करने का उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अभी वेट करते तब तक ये 100 ना हो जाए, अभी 68 पे रुका है, अभी टाइम लगाएगा थोड़ा सा, उसके लिए हम वेट कर लेते हैं अभी। ये 78 पहुंच चुका है, 79-80 एकदम से देखिए प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा, हमको पहले USB रिमूव करना है और दोबारा से सेट को ऑन कर देना है। ऑन हो गया ठीक है, नहीं तो हमको दोबारा से ऑन करना है। देखिए जो पुराना हमारा डेटा था, जो पुराना फाइल था, ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, इसको पावर से प्लग से रिमूव नहीं करना है। देखिए जो भी प्रोसेस होगा लाइव रखना है आपको, मतलब वायर नहीं निकालना पावर का, क्योंकि यहीं पर हम गलती कर देते पावर वायर निकाल देते, जिससे हमारा बीच में स्ट्रिक रह जाता है, फॉल्ट रह जाता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड अच्छे से नहीं हो पाता और हमको काफ़ी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। जब हमारा फाइल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमको USB निकालना है ओनली, बाकी वायर लगा रहने देना है। देखिए और देखिए 5 से 10 मिनट के बीच में सब कुछ जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कुछ सेट तो जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ ऑटोमेटिकली स्टैंड बाई मोड पे चले जाते हैं, उसके बाद हमने USB निकालना है दोबारा से उसको ऑन कर देना है। लेकिन जैसे कि ये ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड पे नहीं गया, ऑटोमेटिक ये ऑन हुआ है, स्टैंड बाई सीरीज ऑटोमेटिक हो चुका है, कुछ आपको वेट करना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि यदि आप उसमें पावर निकाल देंगे तो आपको कुछ फॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, या तो हो सकता है फाइल करप्ट हो जाए, आपको सॉफ्टवेयर दोबारा ही डालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इसकी अब हम टेस्टिंग करने वाले हैं इसको, मुझे लगता है इसमें मिरर वगैरह कोई प्रॉब्लम को देखने को नहीं मिला, पिक्चर भी सीधा है बिल्कुल, हमने LED उल्टा रखा है तो आपके सामने पिक्चर सीधा है। तो सीधे एक बार देख लेते हैं इसको, देखें देखिए दोस्तों सेट हमारा ऑन है, अच्छे से चल रहा है, इसमें फ़िलहाल जो फॉल्ट था वो निकल चुका है। जब हमने शुरू में बताया था कि ये देखिए पहले पिक्चर देखिए बिल्कुल क्लियर है ना, कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है, मिरर वगैरह का प्रॉब्लम भी हमको देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम इसमें अभी फिलहाल नहीं है। और सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपको एक बार वर्क करना है, कई बार मेन फिल्टर वीक हो जाता है जिससे हमारा सप्लाई ड्रॉप होने का चांस रहता है, कट करता रहता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। जैसे मैंने पहले कुछ वीडियो बना रखे इसके ऊपर, तो उसमें पहले आपको सप्लाई चेक करना है कि कोई कम या ज़्यादा ना हो, फिल्टर मेन और आउटपुट का 12 वोल्ट का फिल्टर होता है, वो वीक होने से भी फॉल्ट हमको कुछ देखने को मिलता है, लेकिन वो काफ़ी कम चांस होता है, ये 20% चांस होता है, 80% चांस होता है सॉफ्टवेयर का। तो यही एक प्रोसेस था जिसमें हमारा फॉल्ट आपके सामने निकल पाया। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कर देना, उस तरह वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि इस तरह वीडियो में डालता रहता है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।